gâche que tes yeux. Et soudain sommeil de l'air. Et soudain aradna que l'air. Y'a pas jitne bhi log hai bina. Ou aap ke bulaye hue log hai. Sach much. Aur isliye bulaye hue log hai. Ki aapka kaal inke jeevan mein ho. Kis aaj koi bhi yahan se khali haath nahi jayenge. Aaj log yadi is bheed mein se koi aaj Yeshu ko ग्रहण नहीं किया है या आज आपके बारे में नहीं जानता है वो आज यीशु मसीह को जान के यहाँ से जाएगा, वो आज यीशु मसीह को लेके यहाँ से जाएगा, वो आज परमेश्वर की आत्मा से भर के यहाँ से जाएगा। आज यहाँ से वो एक नया पल लेके जाएगा, वो आज यहाँ से आशीष की बारी से फेंक के जाएगा। यदि कोई आज बंधन में है उसका बंधन आज तोड़ा जाएगा, अभिषेक ही आराधना से ही यीशु के नाम में ऐसा हो रहा है। प्रभु धन्यवाद यीशु। हर एक शैतान का गढ़ हिला दिया गया है, हर एक जादू टोना की बातें नष्ट कर दी गई है यीशु मसीह के नाम में। यहां पे आजादी है, यीशु के नाम में आजादी है। प्रभु धन्यवाद। हम आपकी आराधना करना चाहते हैं इस खड़ी, आपकी महिमा करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। और आज हम वही हैं क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु धन्यवाद। हमारी वर्शिप टीम को हम आपके हाथ में देते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं पिता, हमारी वर्शिप वॉलंटियर को, आज के प्रीचर को पिता, आपके चुने हुए जन को पिता हम आपके हाथ में देते हैं। हम ब्लेस करते हैं पिता, सचमुच आज उनसे बातचीत कर रहा हूँ उनसे, उनके द्वारा जितने लोग रास्ते में उन्हें हम आपके हाथ में देते हैं। हम हर एक बातों का नियंत्रण हम आपके हाथ में देते हैं यीशु के नाम में। आमेन। Yeah.
लोग कहां से कहां जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर जा रहे हैं, लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों? यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह राज्य करता है उनके जीवन में। कितना पैसा खर्च होता है आज, कितने सारे लोग अपने जीवन को कुर्बान कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो हमारे दिलों में राज करता है। आमीन। क्या सचमुच ऐसा है? आइए मैं और आराधना करेंगे, हम गाएंगे, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। Oh,
अद्भुत बात है जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि जिस परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने जैसा बनाया, और उसी इंसान को बचाने के लिए जब वो इस पृथ्वी में आया, उसी इंसान ने उसे नंगा किया, उसी इंसान ने उसे मारा, उसे थूका, उसको बेइज्जत किया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या बोलता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या कह रहे हैं। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रिय, कौन हमसे इतना प्रेम कर सकता है, कोई भी नहीं, इस पृथ्वी में कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु। अगर यीशु का प्रेम मेरे अंदर है तभी हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर है तभी हम ऐसा प्रेम दूसरों से कर सकते हैं। सचमुच कितना अद्भुत बात है, कितना महान बात है ये, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करें। उस महान यीशु की हम आराधना करेंगे, उसके लिए हम जिएंगे। हम जब तक इस पृथ्वी में है हम उसी की महिमा करेंगे, हम उसी के लिए जिएंगे। चाहे मेरे जीवन में आशीष आए या ना आए, चाहे मेरे जीवन में छुटकारा आए या ना आए, हम कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, लेकिन हम उसी महान यीशु की हम आराधना करेंगे। क्योंकि तू इसके योग्य है महान परमेश्वर, तू स्तुति और महिमा के योग्य है। You deserve the glory, अब महिमा के योग्य है। अब तेरे नाम को ऊंचा उठा प्रभु, तूने हमसे इतना प्रेम किया जिसे हम कभी नहीं समझ पाएंगे लॉर्ड, कभी नहीं जान पाएंगे आप हमसे कितना प्रेम किया। बताते कि आपने हमें चुना है, हमने नहीं चुना आपको, आपने हमें चुना, और उस बाप के दलदल में थे, उस गंदगी भरे जीवन में थे, आपने हमारे लिए क्रूस पे लहू बहाया, आपने हमें चुना, हमारे पवित्रता के कारण आपने अपने पास नहीं बुलाया, हमारी पवित्रता के कारण आपने अपना आत्मा हमें नहीं दिया। लेकिन सचमुच यीशु, आप अपने दया के कारण अपना पवित्र आत्मा आप मुझे दिए। हमें जितने सारे लोग हैं हर एक को दिए।
इसके योग्य है, मिले तुझे आदर और महिमा युगाना युग, क्योंकि तू इसके योग्य है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तुझे ही मिले स्तुति और प्रशंसा, क्योंकि तू पवित्र है, क्योंकि तेरी उपस्थिति में स्वर्गदूत भी तेरी आराधना करते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, और वे कभी नहीं रुकते, वे हमेशा तेरी आराधना करते ही रहते हैं, और ये अनुग्रह आज हमें यहाँ मिला है पृथ्वी में, हम पृथ्वी में भी तेरी आराधना करेंगे, और जब स्वर्ग जाएंगे वहां भी तेरी आराधना करेंगे, यीशु मेरे तुझे आदर और महिमा, धन्यवाद प्रभु ये
उसके योग्य है, तुझे महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। चाहे कुछ भी हो मेरे जीवन में, चाहे कुछ भी हो, तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहे, क्योंकि मैं तेरी महिमा के लिए मैं बना हूं, मैं तेरी महिमा हूं, मैं तेरी महिमा हूं। आई हर एक इस बात को अंगीकार करे कि आप परमेश्वर की महिमा है, आप परमेश्वर की महिमा है। बोले कि मैं परमेश्वर की महिमा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए बना हूं। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैं यीशु की महिमा करूंगा, उसी के पीछे चलूं। तुझे महिमा मिले, आज के बस सिर्फ
से महिमा मिले आज इतने सारे लोग जो इकट्ठे हैं इस बात के कारण तुझे महिमा मिले इस प्रेयर टावर के कारण तुझे महिमा मिले मेरे जीवन के कारण तुझे महिमा मिले Oh,
अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रेम स्वर्ग के पिता, इस घड़ी हम एक परिवार होकर पुनः आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अनुग्रह किया कि आपकी प्रेम प्यारी दास पिता परमेश्वर सिस्टर एस्थर और उनकी पूरे परिवार यहाँ पर आ पाए और पिता परमेश्वर उन्होंने सत्य की बातों को यहाँ पर प्रकट किया और हम विश्वास करते हैं जैसा वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम विश्वास करते हैं आज हमने, हमारे परिवार ने, रांची ने पिता परमेश्वर एक नई स्वतंत्रता को पाया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा अनुग्रह हम पर किया पिता परमेश्वर। इन 3 दिनों की मीटिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि आज हम यहाँ आपके अभिषेक जनों से पिता आपके सत्य की बातों को सुन पा रहे हैं पिता, सीख पा रहे हैं पिता, नई सामर्थ को हम पा पा रहे हैं, आपके वचन के नए प्रकटीकरण को जान पा रहे हैं पिता। और जैसा पत्रस की पुस्तक में कहते हैं कि मैं अपनी बातों को फिर से तुम्हें बताता रहूंगा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यद्यपि शायद हम उन बातों को जानते भी होंगे मगर हम धन्यवाद देते हैं आप एक अच्छे पिता है। आप हमें पिता वार्न करते रहते हैं और हमें सजग बनाए रखते हैं पिता परमेश्वर कि हम जागते रहें और प्रार्थना में बने रहें पिता, कि हम आत्मा में बने रहें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। सिस्टर को, उनकी फैमिली को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से फिर से पिता, उनकी सेवकाई 100-fold मल्टीप्लाई हो जाए पिता परमेश्वर। और जिस तरह वो आपके धार्मिकता और राज्य की खोज कर रही है पिता, उनकी आवश्यकताएं यीशु के नाम से पूरी कर दी जाए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं ट्रेन सही समय पर आएगी क्योंकि आपने ट्रेन को डिले किया है, आपका कुछ मकसद होगा पिता, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर जब ये आगे जाती है पिता परमेश्वर, जितना यहाँ उंडेला है उससे बढ़कर वो यहाँ से रिसीव करके जाने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में आपका अनुग्रह हो तो सिस्टर हम यहाँ पर फिर से आए पिता और हम मिलकर आपकी आराधना और वचन में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर दान को जिसे हम अपने हाथों से आज यहाँ पर दे पाए पिता, ये आपका अनुग्रह है पिता कि हमने अपनी मुट्ठी को खोल पाया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता, अनुग्रह कर ऐसी जगहों में आपका वचन प्रचार हो जहाँ अब तक आपका वचन नहीं पहुँच पाया है पिता, ऐसी आत्माओं के पीछे ये दान लगने पाए जो अब तक आपके राज में प्रवेश नहीं कर पाए हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ की पूरी भीड़ के लिए पिता, जीसस कॉज के पूरे स्टाफ के लिए, हर एक वॉलंटियर्स के लिए जिन्होंने पिता जिस भी रूप से अपना योगदान यहाँ पर दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके असीम अनुग्रह के लिए जो हम पर पड़ा पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं जब लोग यीशु के पास नजदीक जाते थे, उनसे मिलते थे, उनसे रूबरू होते थे, वो उसी परिस्थिति में नहीं वरन बदल कर वहां से वापस लौटते थे। आज हम जिस परिस्थिति में आए थे होंगे मगर हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपने हमें बदला है, हमारे परिस्थिति को बदला है, हमारे परिवार की परिस्थिति को बदला है, आपने रांची को बदला है, अपने झारखंड को बदला है पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं जिस अभिषेक को, जिस आग को, जिस सामर्थ को आज हमने पाया है, जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं हम जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ आग लगाने वाले लोग होंगे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हम जहाँ कहीं जाएंगे उस आग के द्वारा शैतान की गढ़ को हम ढा देने वाले लोग होंगे पिता। हम परिवर्तन है, हम परिवर्तन लाने वाले लोग हैं, हम चमत्कार है, हम चमत्कार लाने वाले लोग हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु को प्रकट करने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर। हमारा स्वभाव यीशु को प्रकट करने पाए पिता, हम यहाँ से जब निकलते हैं अपने अपने घरों को सुरक्षित पहुँचने पाए और आपके नाम की महिमा आराधना करने पाए पिता। जिस आशीष को, जिस अभिषेक को हमने यहाँ पर पाया है उसे सुरक्षित और पवित्र अपने घर तक ले जाए पिता। और हम विश्वास करते हैं पिता यदि हम अपने प्रियजनों से मिलते हैं पिता परमेश्वर, उन पर ये गिफ्ट, ये अनॉइंटिंग पिता ट्रांसफर होगी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं एक बड़े बदलाव को आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं हमारी सहायता कर, जिस तरह दाऊद पिता परमेश्वर भजन संहिता 51:15 में कहता है कि मेरे मुख को खोल कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। हम में से हर एक के मुख को हम ब्लेस करते हैं और खोलते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक आपकी महिमा के लिए अपने मुखों को खोलने पाए पिता परमेश्वर। जब आपकी टेस्टिमनीज को देने की बात हो किसी का मुख पिता बंद ना होने पाए मगर हर एक शर्म को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, हर एक लज्जे को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। ये जहां कहीं जाए, जब भी प्रोफेसी हो, जहां कहीं भी, हर एक अपने मुख को खोलकर आपका गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम का बखान करने पाए। जिस प्रोफेसी को आपने उनके जीवन में दिया है उसका बखान वो करने पाए पिता, जिन कार्यों को आपने उनके जीवन में किया है उनका बखान वो करने पाए पिता। हम में से हर एक के मुखों को खोल कि हमारे मुख से सिर्फ और सिर्फ
आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। यदि आज हमने गवाही नहीं भी दी पिता, अनुग्रह कर आने वाले सप्ताह में यहाँ पर बहुत से लोग आएंगे जो इस मीटिंग की गवाही देंगे, ऐसा हम विश्वास के साथ हम क्लेम करते हैं पिता। और उनकी रिपोर्ट हम आंटी को जरूर बताएंगे कि जितनों का नाम आपने लिया वे गवाही देने के लिए आए पिता, ऐसा विश्वास के साथ हम क्लेम करते हैं। और जितनों का नाम आपने लिया है पिता, आप उनसे प्रेम करते हैं, अनुग्रह कर पिता वो सामने आए और आपके नाम की आराधना के लिए अपने मुख को खोलने पाए पिता, उन्हें सामर्थ प्रदान कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा अनुग्रह किया है, निश्चय एक बड़े बदलाव के लिए हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अनुग्रह कर जिस आग को हमने पाया है वो जलता रहे पिता, वो बुझने ना पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते जिन वचनों को आज आपने हमारे हृदय में बोया है उसे शैतान चुराने ना पाए पिता परमेश्वर, उसे हम आपके लहू में छुपा के सुरक्षित करते हैं। हर एक निवेदन जो यहाँ पर की गई हर एक को आपके लहू में छुपा के सुरक्षित करते हैं और हर एक के उत्तर को हाँ और आमीन में यीशु के नाम से हम ले लेते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते आपने हमारे प्रार्थनाओं पर कान लगाया है, आपने हमें एक नए तेल से भरा पिता, एक नई सामर्थ से भरा। हम धन्यवाद देते हैं अपने आप को आपके राज्य के लिए समर्पित करते हैं, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी हमारे जीवन में पूरी होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए और धन्यवाद के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसा सुन और सर्वरात में ग्रहण कर लें, आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।